हेलो एवरीवन, वील बी डिस्कसिंग सर्किट थ्योरी। आपको बेसिक आइडिया होगा, टेंथ में आपने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको करंट का पता होगा, रेजिस्टेंस का पता होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का पता होगा। तो हम पहले स्टार्टिंग में जो आपको पता है उस पर थोड़ा लाइट डालेंगे, फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल पर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ करंट से, ठीक है। तो करंट की पहले हम बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे कि क्या है, फिर उसको अप्लाई करना सीखेंगे, करंट फ्लो क्यों करता है, ठीक है। देखो, करंट को डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कंडक्टर्स में ही फ्लो करता है ये करंट, ठीक है, इंसुलेटर में फ्लो नहीं करता। तो अब करंट की वैल्यू क्या आएगी, मैंने बोला रेट ऑफ फ्लो, रेट मतलब डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, मतलब क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो किया, कितने टाइम में, उनका रेशियो ले लें बेसिकली, तो वो मुझे क्या देगा, करंट देगा। अब दो टर्म दिख रही हैं आपको, एक डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, एक डी क्यू बाई डी टी। ये दो टर्म क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं, डेल्टा यूज़ करते हैं हम एवरेज के लिए और डी यूज़ करते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस के लिए। अब एवरेज और इंस्टेंटेनियस का फ़र्क क्या है, अगर मेरा टाइम इंटरवल बड़ा है, जैसे मैंने पूछा आपसे कि 0 से लेके 10 सेकेंड तक कितना करंट फ्लो किया, तो टाइम इंटरवल बड़ा है, तो उस केस में क्या आएगा मेरे पास, आई एवरेज। और मैं पूछ रहा हूँ कि टाइम टी बराबर 5 पे कितना करंट है, तो वो क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस करंट, क्लियर है। इन पे एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग, फिलहाल से डिफाइन कर रहा हूँ मैं इसको। अच्छा, अब करंट की डायरेक्शन, भाई करंट तो फ्लो करता है तो डायरेक्शन तो होगी उसकी, तो उसकी डायरेक्शन जो हम कन्वेंशन यूज करते हैं वो है अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो मेरे पास इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन इससे अपोजिट मानी जाएगी, या फिर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहे हैं तो इसी तरफ करंट की डायरेक्शन मानी जाएगी। यहां तक क्लियर है आपको, ठीक है। अब करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है। अब आप लोग सोचोगे कि यार आपने बोला करंट की डायरेक्शन भी है और एक वैल्यू भी है, तो करंट तो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, लेकिन यहां पे मैं बोल रहा हूं कि करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो बच्चा, वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए तीन कंडीशन होती है। एक तो क्या, उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, वो इसके पास है, डायरेक्शन होनी चाहिए, वो भी इसके पास है, लेकिन तीसरी कंडीशन जो होती है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना चाहिए, तभी हम तीनों क्वांटिटी जब फुलफिल होंगे, तीनों कंडीशंस बेसिकली, तभी वो क्या होगी मेरे पास, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ दो कंडीशन ओबे होती हैं, तीसरी कंडीशन ओबे नहीं होती, इसीलिए करंट जो है मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। एक टर्म आती है टेंसर, वो भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। इसका यूनिट क्या है, एम्पेयर। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, अब ये कंडक्टर है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है लेफ्ट टू राइट, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इससे अपोजिट, तो यहाँ पे करंट आ जाएगा। अब मैं आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ बेस्ड अपॉन दिस फॉर्मूला, क्लियर है। और डायरेक्शन फॉर्मूला ये वाला और डायरेक्शन यूज करोगे तो एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो आपको आंसर करना। मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इससे 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज इस तरफ फ्लो किया है और 3 कूलम नेगेटिव चार्ज, 3 कूलम नेगेटिव चार्ज इस तरफ फ्लो कर रहा है, कितने टाइम में, 1 सेकंड। मान लो टाइम 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो आपको बताना है कि इस क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास कर रहा है इंस्टेंटेनियस, क्योंकि टाइम मैंने 1 सेकंड बोला ना, इंटरवल नहीं दिया, एक वैल्यू दी है, इसका मतलब क्या यूज करना है मुझे, इंस्टेंटेनियस करंट। तो कैसे करेंगे, देखो करंट का फॉर्मूला क्या है, कितना चार्ज पास किया, कितने टाइम में, तो चार्ज पास कितना किया वो निकालना है मुझे इस एक्सप्रेशन देख के। टाइम तो मुझे पता है कि हाँ 1 सेकंड पूछा है उसने, तो टाइम तो मुझे 1 सेकंड पता है। अच्छा, अब देखते हैं मेरे पास चार्जेस किस टाइप के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब याद करो करंट की डेफिनेशन बताया था मैंने, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ होता है उस तरफ करंट की डायरेक्शन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस तरफ होता है उससे अपोजिट। तो ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, और इसकी डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, तो ये करंट को इस तरफ लाने की कोशिश करेगा, तो ये करंट किसके कारण है, 5 कूलम के कारण है, इसकी डायरेक्शन ये आ रही है। अच्छा, अब बात करते हैं -3 कूलम, तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये किस तरफ फ्लो कर रहा है, इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो इसकी इसके कारण जो करंट आएगा उसकी डायरेक्शन इससे अपोजिट आएगी, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो ये भी करंट इधर फ्लो कराने की कोशिश कर रहा है ड्यू टू 3 कूलम। तो
इसके कारण करंट भी इस डायरेक्शन में है, इसके कारण भी करंट इस डायरेक्शन में है, तो दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है, तो हम ऐड कर सकते हैं, तो दोनों चार्ज को ऐड कर दो, तो बेसिकली क्या है, 3 + 3 + 5 यानी 8 कूलम्ब पास किया एक सेकंड में। अब आप जानते हो कूलम्ब पर सेकंड ही क्या होता है, मेरे पास एम्पेयर होता है, कूलम्ब पर सेकंड इज एम्पेयर, तो 8 एम्पेयर करंट इससे पास कर रहा होगा। क्लियर है? अच्छा, अब एक और वेरिएशन देखते हैं इसका। मान लो 5 कूलम्ब वही पॉजिटिव चार्ज मेरे पास इस तरफ फ्लो कर रहा है, अब इस तरफ 3 कूलम्ब नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। अब आपको करंट बताना है, नेट करंट कितना है इसमें। तो फिर से देखते हैं हम लोग कि ये पॉजिटिव चार्ज है इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो इसके कारण करंट इस तरफ आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज है, फ्लो इस तरफ कर रहा है, तो इसके कारण करंट इस तरफ आएगा 3 कूलम्ब वाला। तो आपको देखना क्या है कि अगर दोनों के कारण करंट सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो चार्जेस को ऐड कर दो, और अगर दोनों कारण करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो चार्जेस को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आई की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 5 कूलम माइनस 3 कूलम बाय 1, क्योंकि टाइम तो मैंने फिर से 1 सेकंड ही दिया है, तो 3 कूलम और 5 कूलम में सब्ट्रैक्शन कर दिया, और 2 कूलम बाय 1 सेकंड, फिर से कूलम पर सेकंड क्या बन जाएगा मेरे पास, एम्पेयर। तो ये वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 2 एम्पेयर आ गई। तो ऐसे सवाल आप बहुत इजीली कर पाओगे, मतलब सिखाने का फंडा क्या था कि डायरेक्शन आप एनालाइज कर सको चार्ज की मदद से। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में करंट होगा, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट की डायरेक्शन में ही करंट होगा। क्लियर है? चल अब बात करते हैं हम लोग कि करंट फ्लो क्यों करता है। अगर मान लो मैंने एक वायर ले ली ऐसे, और इस वायर के दो एंड ए और बी, ये कंडक्टिंग वायर है मेरे पास, तो अगर मैं इसे हाथ में लूं तो क्या मुझे एक शॉक लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ कंडक्टर होने से करंट नहीं आता, तो फिर करंट के लिए क्या चाहिए। करंट के लिए मेरे पास जो फैक्टर चाहिए वो है पहली चीज मीडियम, सेकंड चीज मुझे चाहिए वो है पोटेंशियल डिफरेंस, मीडियम तो आपका कंडक्टिंग वायर हो गया, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए एक पाथ चाहिए, वो तो आप वायर से दे दोगे। अभी सेकंड टर्म आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो जब मैं इस वायर को कनेक्ट करूंगा किसी बैटरी या सेल से तभी इसमें करंट आएगा मेरे पास, अदरवाइज करंट नहीं आएगा। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है मेरे पास, मीडियम। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है करंट के लिए। क्लियर है?